जय गुरुदेव। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर एक सावर मंत्र लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही सिद्ध और प्रभावशाली मंत्र है। और इस मंत्र के द्वारा आप जैसे कि किसी को काला कुत्ता काट लेता है, या जब मतलब पागल कुत्ता जो होता है, कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति कुत्ता पागल हो जाता है और पागल होने के बाद वो किसी को काट ले, तो फिर उसका इलाज असंभव सा हो जाता है। क्योंकि पागल कुत्ता जो होता है उसके मुख से एक और पहचान होती है, उसकी मैं पहचान भी आपको बता देता हूँ। उसकी जो पूंछ होती है, कुत्ते की पूंछ बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ लटकी रहेगी, रस्सी की तरह खड़ी नहीं रहेगी बिल्कुल भी, वो खड़ी कर ही नहीं पाएगा अपनी पूंछ को। और उसके मुख से लार टपकती रहेगी, ये पागल कुत्ते की पहचान है, ठीक है, कि वो कुत्ता पागल है। और अगर वो किसी को काट ले तो फिर व्यक्ति पागल होकर के ही मरता है, मतलब कि उसका इलाज असंभव है। फिर तो उसी इलाज के संबंध में मैं आपको एक साबर मंत्र बता रहा हूँ, जिसके प्रभाव से अगर किसी ने किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया हो तो उसका विष स्तंभन हो जाएगा और वो रोगी पूर्ण रूप से ठीक होगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब आयुर्वेद पर या फिर एलोपैथिक पर किसी भी तरह की दवाइयाँ आप कराते हो और जब उनसे कोई भी आपको उपचार में लाभ नहीं हो पाता है, तो फिर व्यक्ति किसकी तरफ चलता है? फिर व्यक्ति इन तंत्र मंत्रों का ही सहारा लेता है। क्योंकि कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, वो सब कुछ करता है। फिर तो उसी के संबंध में मैं आज आपको ये मंत्र बताने जा रहा हूँ। और मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, चमत्कारी मंत्र है ये, और इसकी साधना भी कोई इतना कठिन कार्य नहीं है। हनुमान जी का मंत्र है और इसकी मैं साधना आपको बता देता हूँ कि साधना आपको कैसे करनी है। देखिए, इस मंत्र का केवल एक माला मंत्र का आपको जाप करना है, 108 बार प्रतिदिन आपको जाप करना है। और ये आप रात्रि में ही करेंगे, करीब करीब, ज़्यादा रात्रि को भी नहीं, 9 बजे आप बैठ सकते हैं साधना के लिए। और लगातार 41 दिन तक करना है, मतलब कि 41 दिन की साधना है और एक माला का आपको जाप करना है। माला आपकी रुद्राक्ष की या मूंगे की लाल माला आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगा कि माला आपकी या तो मूंगे की हो या फिर रुद्राक्ष की हो, लेकिन वो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए साबरी मंत्रों से, ठीक है, तभी आपका मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। और उस माला से जाप करोगे तो प्रभावशाली भी अधिक होगा, ठीक है। अब इसको करना क्या, आपको रात्रि को 9 बजे बैठोगे, लाल रंग का आसन ले लेना है, हनुमान जी का आपको सामने चित्र रख लेना है, एक घी का दीपक लगाना है और धूप दीप, मतलब कि धूप बत्ती वगैरह आप लगा सकते हो, ठीक है। एक लाल रंग का पुष्प आपको हनुमान जी को चढ़ाना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे या उत्तर दिशा की तरफ कर सकते हो, ठीक है। एकांत स्थान में बैठना है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एकदम आप सबके सामने ही बैठ जाओ। और आपको लगातार डेली उसी टाइम पर करना है और लगातार आपको 41 दिन तक ये साधना करनी है। जब आपका 41वां दिन आ जाए तो 41वें दिन 108 मंत्रों से आप हवन कर लें, ठीक है। और माला के लिए या तो आप मूंगे की मंगाएं या फिर रुद्राक्ष की मंगाएं, मैंने व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिया हुआ है, वहां से आप मुझसे आप मंगा सकते हैं। अगर जो भाई लेना चाहते हैं वो मुझसे आप मंगा सकते हैं, ठीक है। उसकी राशि आपको जो भी लगेगी उसकी राशि आपको जमा करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको माला मिल जाएगी, ठीक है। और जिन भाइयों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों लें, तो भाई ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है,
आप जैसा भी करना चाहें, और बाकी जिनको आवश्यकता है वो ले सकते हैं। तो जब ये मंत्र आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जैसे कि पागल कुत्ते ने जिस व्यक्ति को भी काटा है, थोड़ी सी राख ले लें, ठीक है, और राख लेकर के केवल 7 बार मंत्र को अभिमंत्रित करना है उस राख को, और जहां पर भी उसने काटा है उस घाव पर लगा देना है, ठीक है। बस केवल आपको इतना करना है कि 7 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके उस राख को जहां पागल कुत्ते ने काटा है उस जगह पर लगा दें, ठीक है, और आप देखेंगे कि रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, मतलब कि उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हनुमान जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, और मंत्र मैं आपको इसे वीडियो में भी दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप नोट कर लेना। एक बार मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, ओम नमो कामरुदेश कामाक्षी देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी, इस्माइल जोगी ने पाली कुत्ती 10 काली 10 काबरी 10 पीली 10 लाल रंग बिरंगी 10 खड़ी 10 टीको दे भाल इनका विष हनुमंत हरे रक्षा करे गुरु गोरख वाला, ठीक है। मंत्र ये है, मंत्र बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली है। और देखो जिनको विश्वास ही नहीं है वो तो खैर तरह तरह की बातें बनाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन भाइयों को विश्वास है जो कर सकते हैं वो इस कार्य को जरूर करें, और ये लोक कल्याण के लिए है। इस मंत्र को सिद्ध करके जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है सर्प विशेष स्तंभन का, और ये पागल कुत्ते ने अगर किसी को काटा हो तो पागल कुत्ते के विष को उतारने का जो मंत्र मैंने आपको बताया, ये लोक कल्याण के लिए है। इनका कभी भी किसी से कोई पैसा ना लिए आप, ठीक है। अगर आप किसी का इलाज करते हैं तो आप इनका पैसा बिल्कुल ना लें, वरना होता क्या है कि जो आपकी सिद्धि है वो सिद्धि जबकि धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। आपके जो भी आप उस रोगी को उपचार करेंगे उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है फिर। तो इस मंत्र को करें और लोक कल्याण करें। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।